वो खराब है अभी, सब चल रहे हैं ना, देख रहे हैं सारे बटन चालू। नहीं, कुछ इधर के ऊपर हो तो इधर के नीचे करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ मैं आपको चला रहा हूँ सारा सारे, तो चेक अपना माइक ऑन म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, ठीक मैं बंद करूं, चालू है है। भाई, बंद कर लें। क्या पानी जमने? क्या खुलेगा शुरू करो। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة العلم والعرفان، والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، والحمد لله عظيم الشأن لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا أن يسرت لنا وهديتنا إلى طريق الجنان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله خاتم النبيين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، بعد حمد و صلاة کے دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج آن لائن कॉन्फ्रेंस का हमारा ये तीसरा हफ्ता है, बल्कि यूं कहिए कि तीसरी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है, जिसके पहले मुकर्रर मेरे साथी और मुखलिस दीनी भाई शेख अब्दुल हादी मोहम्मद अफजल अमरी मदनी हफिज़हुल्लाह हैं। आज 26 जून ये 2020 को हमारी ये कॉन्फ्रेंस जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा मुमलकत सऊदी अरब की जानिब से मुनाकिद हो रही है। हम फदीलत शेख को खुश आमदेद कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। आज हमारी ये खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान बड़े चोटी के उलमा मौजूद हैं और आपसे खिताब करेंगे। अजीज साथियों और दीनी भाइयों, फदीलत शेख मोहम्मद अब्दुल हादी मोहम्मद अफजल आप मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा से फारिग तहसील हैं और इस वक्त बरतानिया के शहर बिरमंगम में मुकीम हैं और कई साल से आप मक्का मुकर्रमा में वजारतुल हज की तरफ से और वजारतुल एलान की तरफ से अपने दावती मिशन की मसरूफियात लिए हुए पहुंचा करते थे। और आपके हमने इससे पहले दावा सेंटर में एक से दो प्रोग्राम भी कर चुके हैं। दावा सेंटर के तलबा आपको अच्छी तरह से जानते हैं। एक प्रोग्राम हमने नुकुश जावेदान के उन्वान से किया था 2007 में, और उसके अलावा एक प्रोग्राम गुस्ताखी रसूल के असबाब और इलाज के नाम से भी किया था। आपका ताल्लुक
जुनूबी हिंदुस्तान के मशहूर शहर हैदराबाद दक्कन से है। आपकी इब्तदाई तालीम अपने आबाई वतन ही में हुई हैदराबाद में, और आप अपनी इल्मी प्यास बुझाने की खातिर जुनूबी हिंदुस्तान के एक मशहूर दीनी दरसगाह जामिया दारुस्सलाम उमराबाद जिला शुमाली आरकाट में, आप तमिलनाडु में है, वहां से आपने 1977 में सनद फरागत पाने के बाद फिर आला तालीम की गरज से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा का आपने रुख किया, और मदीना मुनव्वरा से आपकी फरागत 1981 में हुई। उसके बाद से अब तक आप इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, और जहां एक इस्लामी मरकज के तहत आपकी खामोश खिदमत दीनी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। मौसूफ मख्तरम में बड़ी खूबियां हैं, आप एक दीनी माहनामा सिरात मुस्तकीम अरबी और अंग्रेजी में शाया होता है, आप उसके एडिटर भी हैं, और उसी मरकज की अपनी एक इंटरनेट की वेबसाइट भी है जिसकी बराह रास्त इल्मी निगरानी और इशराफ भी आपकी जिम्मेदारियों में से है, और आप वक्तन फवक्तन मुल्क यानी मुल्क हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में भी मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में नदवात में इल्मी और दावती कॉन्फ्रेंसों में भी बराबर हिस्सा लेते रहे हैं, और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ टीवी चैनल पीस टीवी चैनल में भी आप बहसियत मुकर्रर आते रहे हैं, और आई प्लस टीवी चैनल में तो आपके काफी रिकॉर्डिंग हुई है, और इसके अलावा बर्तानिया के मुसलमानों के आपसी तनाजात के हलूल के एक इस्लामी अदालत कायम की गई है बर्तानिया में, जिसको मजलिसुल कज़ाए इस्लामी के नाम दिया गया है, आप उसके रईस भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं, मैं इसी मुख्तसर से तारुफ पर इक्तफा करते हुए आपको दावत सुखन देता हूँ। فليتفضل فضيلته مشكورا ومأجورا. عبد الهادي بھائی آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، پروگرام کے آغاز میں میں اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ جالیات اور اس کے منتظمین اور اس سے وابستگان کا شکریہ ادا کروں کہ مسافت کی دوری کے باوجود انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچ سکے، اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے کو ہیلا یا بہانہ بنا کر سرگرمی دینی سرگرمیوں کو معطل کرنے کے بجائے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی انہوں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان تمام اخوان اور احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی معزز بھائی شیخ ابو سعید حفظہ اللہ تعالی نے تعارف میں بہت کچھ باتیں بتا دی ہیں، میں نے تو صرف نام بتانے کی گزارش کی تھی کہ صرف نام کافی ہے، یہ ان کی محبت ہے، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ ہے کہ ہم ہزاروں میل کی دوری پر ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس طرح سے اس میں علماء کرام داعیان دین کے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے کہ وہ اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ ہم سنانا چاہتے ہیں لیکن کیسے سنائیں، ہم لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں مگر کیسے کریں، اور نہ ہی عوام کے سامنے کوئی عذر ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کہاں سے سیکھیں اور کیسے سیکھیں. تو کسی کے پاس بھی اب یہ عذر نہیں ہے، سیکھنے والوں کے پاس بھی اور سکھانے والوں کے پاس بھی.
सिर्फ जज्बा और अज्म की जरूरत। इस वक्त जो चारों तरफ हालात हैं, कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से, इसको देखकर यानी हर तरफ लॉकडाउन का सिलसिला है, कहीं जुज़वी तौर पर उसमें नरमी की गई और कहीं अभी तक सख्ती बरकरार है। और इस बीमारी के बाद से जो मुसलसल खबरें आ रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक और गमगीन किस्म की खबरें, किसी की मौत की खबर, किसी के गुजरने की खबर, किसी की बीमारी की खबर, किसी की आजमाइश और मुसीबत की खबर। इस वक्त चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें या प्रिंट मीडिया, अफसोसनाक, परेशान कुन और गमगीन खबरों से भरा हुआ आपको दिखाई देगा। इन्हीं चीजों को देखकर बहुत सारे हमारे भाई और बहनें एक हद तक मायूस उसी का शिकार के हम कुरान सुन्नत का सहारा अपनाएं। इसलिए कि एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात और अपने प्रॉब्लम्स को सबसे पहले कुरान सुन्नत पर पेश करें। ये मोमिनाना अंदाज है मसाइल को हल करने का। उसके बाद आप खारिजी चीजों को देखें, एक्सटर्नल अवामिल और फैक्टर्स जो हैं उसको देखें, मगर मोमिनाना अंदाज ये है कि सबसे पहले हम अपने मसाइल को कुरान और सुन्नत से हल करने की कोशिश करें। इस वक्त जबकि चारों तरफ एक अजीब व गरीब खौफनाक किस्म की सूरत हाल से हम सब दो चार हैं, क्या मशरक के रहने वाले, क्या मगरिब के रहने वाले, क्या पसमानदा ममालिक, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक, जो कुछ सूरत हाल और जो कुछ इससे हम सब गुजर रहे हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई करता है? क्या मायूस होकर हम बैठ जाएं? क्या हाथ पर हाथ मलते हुए हम वैसे ही धरे के धरे रह जाएं? कुरान करीम सूरह जुमर की आयत 53, उसमें हमारे लिए एक रहनुमा उसूल और कानून, ये कानून इलाही है जो पेश किया गया। قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا इन्नहु हुवल गफूर रहीम। ये ऐलान आम है अल्लाह ताला की तरफ से, जिन्होंने गुनाह किया, मासियत की, नाफरमानियां की, उन्हें मायूस या नाउमीद नहीं होना चाहिए। असल नुक्ता इसमें मायूसी के खिलाफ कि एक मोमिन को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। डोंट लूज योर होप, कि मायूस ना हो, पुरउम्मीद रहे। अल्लाह अज्जा वजल जो रब्बुल आलमीन है, जो कायनात का पैदा करने वाला, चलाने वाला और कंट्रोलर है, वो हालात को बदलने पर कादिर है क्योंकि वो कादिर मुतलक है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल और प्रॉब्लम तो हमारे लिए हो सकती है, मगर अल्लाह अज्जा वजल के लिए कोई किसी तरह का भी मसला या प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हालात को बदलेगा। ये हमारे सामने उसूल होना चाहिए। इसी तरह इसकी मजीद वजाहत सूरह यूसुफ का खास तौर पर वो हिस्सा जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर पे दर पे मुश्किलात आती गई और उस मौके पर बजाहर देखने में हालात बड़े मायूस कुन दिखाई दे रहे थे, मगर एक नबी का ईमान देखिए कैसे होता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने इस परेशानी की हालत में अपने बच्चों से जो ताकीद फरमाई वो क्या है? वला तयअसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफिरून, कि तुम अल्लाह ताला की रहमत से, मदद से मायूस ना होना, नाउमीद ना होना। और नाउमीदी ये कुफ्र का शेवा है। जो काफिर है वही नाउमीदी की जिंदगी बसर करते हैं, मोमिन हमेशा पुरउम्मीद रहता है। अब यहां पर देखिए कि नाउमीदी ये किसका शेवा बताया जा रहा है? ये काफिरों का शेवा, काफिरों का तरीका बताया जा रहा है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से,
इसके दोनों पहलू हैं, मुस्बत और मनफी। हमें चाहिए कि वो दोनों पहलुओं को अपने सामने रखें कि उसकी जो मुस्बत शक्लें हैं, उसकी जो मुस्बत पहलू, उसके जो पहलू हैं, अगर सिर्फ हम एक ही पहलू अपने सामने रखें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुस्बत हो या मनफी हो, उसका नुकसान होगा। अगर हम सिर्फ मुस्बत पहलू, पॉजिटिव चीजें सामने रखेंगे तो उसकी वजह से एक तरह से खुशफहमी का शिकार हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, जो कि गलत है। और दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ मनफी पहलुओं पर अपनी नजर रखें तो उसका नुकसान ये होगा कि आदमी नाउम्मीदी का शिकार होगा, होपलेस होगा। तो होपलेस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना, खुशफहमी या गलत फहमी या नाउम्मीदी, ये दोनों चीजें मोमिन के लिए दुरुस्त नहीं है। मोमिन का मुआमला एतदाल और तवाजुन का मुआमला होता है। जैसे कि हदीस में जो बताया गया, मोमिन हर सूरत में अजर व सवाब का मुस्तहिक होता है। अगर कोई तकलीफ पहुंचे, सब्र करेगा तो सब्र का सवाब पाएगा। कोई राहत और इनाम पहुंचे, शुक्र अदा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उसका सवाब पाएगा। तो मुसीबत और परेशानी या राहत और नेमत, दोनों सूरतों में मोमिन का अंदाज अजर व सवाब का ही होगा। इस वक्त आप देखिए, अगरचे के हालात बड़े परेशान कुन है, मगर इसको सोचने का एक और एंगल भी है। अभी आपने गुज़िश्ता हफ्ते सुना, अमरीकी सदर वो बहुत ही स्ट्रांगली ये हुक्म दे रहे हैं कि इबादत खानों को खोल दिया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लोगों के लिए खोल दिया जाए। इसमें एक बहुत अहम पहलू है, ये सिर्फ अमरीकी सदर की बात नहीं, यूरोप के बहुत सारे इलाकों में ये रियायत दी जा रही है कि इबादत गाहों को खोल दिया जाए, वहां लोगों को जाने की इजाजत दी जाए। और बाज सरबराहान ममलकत, ये मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं, बाज सरबराहान ममलकत लोगों से अपील कर रहे हैं कि तुम अब दुआओं का सहारा इख्तियार करो, आसमान की तरफ इशारा करके कह रहे हैं उसी की तरफ अब देखो, उसी से मांगो, शायद वही हमारे ऊपर कोई रहम कर सके। ये कौन लोग हैं जो कल तक इबादत गाहों को बंद करने का हुक्म दिया करते थे, जिसे खातिर में नहीं लाया करते थे, दुआ इबादत इज्जो इनके सारी आहिस्ता आहिस्ता इनके कल्चर से निकलती जा रही थी, जो इन चीजों की तरफ देखना या इस बारे में सुनना पसंद नहीं किया करते थे, अब वो लोगों को इसकी तरफ माइल करने का खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबब बन रहे हैं। और ऐसे मौके पर जहां ये हमारे लिए इसमें खुशी की कुछ बातें हैं, इत्मीनान और ढारस की कुछ बातें हैं, कहने वालों ने जो कहा कि इंसान की दुखती हुई पीठ को अगर कोई सहारा दे सकता है तो वो मजहब की दीवार है। अब वो कह रहे हैं कि तुम रुजू करो अपने परवरदिगार की तरफ, चाहे अपने तरीके से इबादत करो, दुआ करो, मगर मांगो उससे, क्योंकि हम तमाम तर टेक्नोलॉजी, तरक्की, माली वसतों के बावजूद इस परेशानी का मुकाबला करने से अपनी आजिजी का ऐलान और इजहार कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे मुतकब्बिर लोग, कैसे कैसे मगरूर लोग एक छोटे से वायरस, जिसको नंगी आंखों से देखा तक नहीं जा सकता, इतना छोटा, लेकिन कैसे कैसे लोगों का सर निगुम हो गया और वो अपनी शिकस्त का बरमला ऐलान और इजहार कर रहे हैं। अगरचे के इस बीमारी की वजह से बाज इनफरादी और इज्तमाई नुकसानात भी हुए, पर्सनल भी और कलेक्टिवली, के बाज अगर आप इनफरादी तौर पर देखेंगे तो भी कुछ नुकसान के पहलू हैं और इज्तमाई नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पर इनफरादी जो नुकसानात हैं, उनमें से एक जो मशरिक और मगरिब दोनों मुमालिक में बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, ये 3 महीने के अंदर की जो रिपोर्ट है उसके तनाजुर में मैं बात कर रहा हूं कि इसकी वजह से तनाव, डिप्रेशन
स्ट्रेस, ज़हनी उलझन, इसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है और इसको हर सतह पर और हर जगह नोट किया गया। इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद, मियां बीवी के झगड़े, लड़ाइयां, फिर उसके नतीजे में तलाक वगैरह की जो परसेंटेज है उसमें हैरतअंगेज तौर पर इजाफा होता जा रहा है। नुकसानात के पहलुओं में एक बिलाशक को शुबा एक मोमिन के लिए मसाजिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। रमजान जैसे अजीम उशान और मुकद्दस तरीन महीने में भी मसाजिद में लोग जा ना सके, ये बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है। मगर इसमें हम सिर्फ तकलीफ का रोना रोएंगे तो बात बनेगी नहीं, इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, उसको सामने रखिए। मुस्बत और पॉजिटिव जो पहलू हैं, बहुत सारे लोग मासी और मुनकरात से इज्तनाब करने लगे, गुनाहों से जो आलूदा जिंदगी है उससे वो उन्होंने बचने की कोशिश की। आए दिन जो खबरें आ रही हैं, आज फला वाकिफ, आज फला जिम्मेदार, फला आलिम दीन, फला मशहूर रहनुमा की वफात हुई, यही खबरें तो पढ़ने और सुनने को मिल रही है। एक दो नहीं बल्कि सिर्फ बर्तानिया के अंदर जो ऑफिशियल फिगर दिया जा रहा है, जो लोग ये 3 महीने के अंदर लुक्मे अजल बन गए, 45,000 से ज्यादा उनकी तादाद है। और अमेरिका के अंदर ये तादाद 1,20,000 से ज्यादा हो चुकी। और इसी तरह से आप फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, इटली को ले लें, कितनी अमवात हुई। और मशरिकी मुमालिक के अंदर चूंकि रिकॉर्ड का वो नज्म नहीं होता, न ही इंडिपेंडेंट तौर पर मीडिया उसको वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है, जो कुछ अदद वो बताएं उसी पर इक्तफा करना पड़ेगा, मगर उसकी सूरत हाल भी वाकई परेशान कुन है। इन खबरों में जब आदमी देखता है, ये बातें सुनता है, तो तर्क मासी इज्तनाब अनिल मुनकरात इसकी तरफ खुद ब खुद माइल हो रहा है। इबादात में गैर मामूली दिलचस्पी देखने में आई, अगरचे के मसाजिद के दरवाजे बंद, मगर मुसलमान पाबंद नहीं है कि अगर मस्जिद के दरवाजे खुले हों तो हम इबादत करें, और मस्जिद के दरवाजे अगर बंद कर दिए जाएं तो अपने रब से हमारा रिश्ता मुनक़ते हो जाए, ऐसा नहीं है। जहां भी हम रहेंगे, हालात चाहे जिस तरह के भी हों, बामल जिंदगी हम गुजार सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जमीन हमारे लिए, जैसे हदीस में कहा गया, व जुअलत लिल अर्ज मस्जिदन व तहूर, रूए जमीन की सारी सरजमीन हमारे लिए सजदा करने के लिए मुनासिब बनाई गई है। जहां भी हम रहेंगे इबादत कर सकते हैं। बेशक मस्जिद के दरवाजे बंद हैं, मगर घर के दरवाजे तो हमारे खुले हैं, हम अपने घर में तो इबादत कर सकते हैं, जैसे कि लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह की, वो लोग जो कभी अजान नहीं दिया करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अजान ये सिर्फ मुअज्जिन का काम है, मगर अब घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जमात के साथ नमाज की अभी तक बहुत सारे इलाकों पर पाबंदी है, तो वो घरों में एहतमाम के साथ अजान देकर घर के अफराद के लिए जमात का एहतमाम कर रहे हैं। जिन्होंने कभी इमामत नहीं करवाई, मगर अब वो इतने ट्रेन हो चुके हैं कि अब मस्जिद में भी वो बड़े इत्मीनान के साथ इमाम बन सकते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग कुछ ऐसे उनको अपने घर से मिली, और बहुत सारे इलाकों में खुतबे जुमा का जो लोग एहतमाम करते रहे महदूद तादाद के साथ, जबकि वो कभी खतीब नहीं बने थे, न कभी उन्होंने शायद सोचा होगा कि हमें खुतबा देने की जरूरत पड़ेगी, मगर ये लॉकडाउन ने उन्हें भी सबक सिखा दिया और वो भी खतीब बने, और खुतबा देने के लिए उन्हें दीनी किताबों की तरफ रुजू करना पड़ा, कुछ सीखना पड़ा, दीन इल्म हासिल करना पड़ा। और इसी तरह से रमजान गुजरा कि वो लोग जो कभी तरावी की नमाज नहीं पढ़ाए थे, मगर इस दौरान उन्होंने न सिर्फ नमाज का क़ियामुल लैल वगैरह का एहतमाम किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा कुरान उन्होंने कुरान तरावी में या घर में क़ियामुल लैल वगैरह में मुकम्मल तौर पर पढ़ा, ताकि घर वाले इस नाजुक सूरत हाल में
सुन सकें और कुछ दीन की तरफ माइल हो सकें। और ऐसे ही यूरोप वगैरह में आप देखें, मगरबी ममालिक में खास तौर पर उरियानियत कितनी आम थी, मगर इस कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई कि उनको अपने लिबास ऐसे करने पड़े जिससे सारा बदन ढक जाए। कल तक जो हिजाब, पर्दा, बुरका इसका मजाक उड़ाया करते थे, अब वो खुद पर्दा करके बाहर निकल रहे हैं, सर से पांव तक ढाके हुए बाहर निकल रहे हैं, हत्ता के हाथ के ग्लोव्स तक पहनकर वो बाहर निकल रहे हैं, जबकि वो इन चीजों का मजाक आमतौर पर उड़ाया करते थे। और इसी तरह से शैतानी अड्डे, नाइट क्लब्स, रक्स व सुरूर की महफिलें, इस पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई जा रही है कि इन चीजों को कम से कम बंद कर दें। खैर के जो पहलू हैं इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए कि खिदमत खल्क का लोगों के अंदर जो शौक व जज्बा देखने में आया इन दिनों के अंदर, रमजान के महीने में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हत्ता के गरीब ममालिक, पसमानदा ममालिक, जिनकी खुद अपनी माशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं, मगर इसके बावजूद जज्बा देखिए, हौसला देखिए दूसरों की मदद करने का। बाज इलाकों में कर्फ्यू होने के बावजूद जब उन्हें कर्फ्यू में थोड़ी सी मोहलत दी जाती ताकि सब्जी तरकारी या घरेलू खाने पीने की अशिया जरूरी जो है वो खरीद सकें, इतने वक्त से फायदा उठाते हुए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की गरीबों तक, तंगदस्तों तक, बल्कि ऐसे लोग जिनको हम कहते हैं देखने में खुशहाल लगते हैं लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उनकी माशी हालत बहुत नागुफ्ता बे हो गई थी, उन तक वो पहुंचे। हालांकि ये उनके लिए भी रिस्क था, मगर वो उन तक पहुंचे, अनाज पहुंचाया, बल्कि बाज लोग खाना तैयार करके ले जाकर दिया करते थे। बसा औकात इस तरह का काम करने वालों को आप जाहिरी तौर पर कोई बहुत बड़ा दीनी रहनुमा के रूप में नहीं देखेंगे, आम से नौजवान, मगर आप देखिए जज्बा उनके अंदर, शौक उनके अंदर, अपनी जान रिस्क पर डालकर वो कर्फ्यू में थोड़ी सी नरमी जब मिली तो वहां पहुंच रहे हैं ताकि गरीबों को भी कुछ ना कुछ दे सके। जितने लोगों तक वो पहुंच सकते थे पहुंच, वो वहां तक पहुंचे। इन इन चीजों के पेश नजर एक बात मैं कहता हूं, बर्तानिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने यह बात बरमला ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी, द मोस्ट जेनरस कम्युनिटी इज मुस्लिम कम्युनिटी, के सबसे ज्यादा सखावत करने वाली और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाली अगर कोई कम्युनिटी है तो ये मुसलमान कम्युनिटी। ये गवाही कोई मुसलमान में मौलवी मुल्ला आलिम दीन की नकल नहीं कर रहा हूं, ये मैं गैर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर की नकल कर रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, जिन्होंने ये बात कही थी कि सबसे ज्यादा कार्य खैर खिदमत खल्क का जिनमें शौक है, जो देते हुए खुशी महसूस करते हैं और बगैर किसी डिमांड के वो खुद देना अपना खुशगवार फरीजा समझते हैं, ये मुसलमान कम्युनिटी है। क्या ये मुकाम शुक्र नहीं कि कौन कौन इन चीजों को महसूस कर रहा है और नोट कर रहा है। इस वक्त ये जरूरत है कि ये जो नेकी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ, चाहे इल्म हासिल करने के हवाले से हो या अमल करने के हवाले से हो या अल्लाह की तरफ रुजू करने के हवाले से हो, मासी और गुनाहों से इज्तनाब और उससे बचने के हवाले से हो, जिक्र व अस्कार के हवाले से हो, इन चीजों में मुदावमत होनी चाहिए, रेगुलरिटी हो। ऐसा ना हो कि एक मुसीबत आई और हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बने या थोड़ी देर के लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार, अज़कार मसनूना ज़बान से जारी हो गए और उसके बाद फिर हमारा रिश्ता दीन से टूटा, जिक्र व अज़कार और सारी जो चीजें हैं वो मुनक़ते हो जाएं। ऐसा नहीं, बल्कि मोमिनाना अंदाज तो ये है कि हमें इसको बाकी रखना चाहिए और इब्तला और आजमाइश, जो कि ये गुफ्तगू का मरकजी उन्वान है इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें कतन हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप कुरान करीम पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन हस्तियां वो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की है। अंबियाए किराम से बढ़कर कौन मुकद्दस आला और बामल हो सकता है?
मगर क्या इब्तला और आजमाइश के कानून से उन्हें गुजरना पड़ा या नहीं? अंबियाए किराम को गुजरना पड़ा, उनके अपने जाती मसाइल, फैमिली के मसाइल, सेहत के मसाइल और कौम व मिल्लत के मसाइल। किन किन आजमाइश से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलात व सलाम को भी दो चार होना पड़ा। चंद अंबिया का आप जिक्र फिर से ताजा कर लीजिए। कुरान करीम में ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, कि कुरान करीम किताब हिदायत, मौइज़त, सबक है हम सब के लिए। इसमें बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलात व सलाम का जो जिक्र किया गया, मसलन नूह अलैहिस्सलात व सलाम को लीजिए। जब पानी की शक्ल में अजाब आया, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि शायद सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। बज़ाहिर हालात परेशान कुन थे, मायूस कुन थे, मगर आप देखिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नूह अलैहिस्सलात व सलाम के साथ जो लोग थे कैसे उनकी हिफाजत फरमाई, और नस्ल इंसानी उसके जरिए से किस तरीके से तरक्की की और आगे बढ़ी। और ऐसे ही आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जब आग में डालने का फैसला किया गया, कौन कह सकता था यही आग, यही अलावा जो आग जलाने के लिए बनाया गया और आग दहकाई गई वहां पर, मगर यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरक्की का जरिया बना। और वहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कामयाबी अता फरमाई, रहती दुनिया तक कोई दिन में ऐसा घंटा या मिनट या सेकंड नहीं गुजर रहा होगा जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में और किसी ना किसी एतबार से ना हो रहा हो। बज़ाहिर जब आग में डाला जा रहा था लोगों ने क्या समझा था, हालात कैसे थे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वहां से कहां पहुंचे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका। बज़ाहिर ये मायूसी की कैफियत थी कि एक बहुत ही नौनिहाल को ले जाकर कुएं में डाल दिया जाए। बज़ाहिर जिंदगी के इम्कानात खत्म होते दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर हालात पर गौर कीजिए, वही कुआं उनकी तरक्की का जीना बन गया बाद में, वही उनकी तरक्की का सबब और जरिया बन गया। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां से कहां पहुंचे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब आजमाइश में मछली के समंदर में डाल दिए गए और मछली के पेट में पहुंचे, तो बज़ाहिर हालात क्या थे, मगर वो कादिर मुतलक है अल्लाह अज़्ज़ा व जल। मछली का पेट उनके लिए एक हिफाजत का जरिया साबित हुआ, बजाय उन्हें कोई नुकसान पहुंचने के। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सालिम हालत में साहिल समंदर तक पहुंचा दिया गया। कौन कह सकता था कि मछली यह काम करेगी? कौन कह सकता था कि समंदर के अंदर डालने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम महफूज हालत में बाहर निकल आएंगे? मगर दुनिया ने देखा, ये हुआ। कुरान करीम में इसको महफूज किया गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम जाती एक बीमारी, जिस्मानी बीमारी, स्किन एलर्जी टाइप की चीज, जल्दी मर्ज, जिसमें बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल से वो गुजर रहे थे, मगर उसके बाद हालात क्या हुए? बज़ाहिर दोस्त अहबाब मिलने जुलने वाले सब दूर होते चले गए, हत्ता के करीबी लोग भी दूर हो गए। तो ये मायूसी की हालत है ना देखने में। मैं खास तौर पर अंबियाए किराम का वाकया अपने साथ सब भाइयों की खिदमत में, बहनों की खिदमत में इसलिए रखना चाहता हूं कि कुरान करीम में अंबियाए किराम की जिंदगियों को हम अपने लिए नमूना बनाए। बज़ाहिर देखने में हालात क्या थे और फिर अल्लाह ताला ने कैसे वो रास्ता बनाया? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बज़ाहिर इन तकलीफ दे हालात से गुजर रहे थे, मगर एक नबी का जो अज़्म और अल्लाह ताला पर गैर मुतज़लज़ल यकीन होता है, वही यहां पर देखने में आया। और अल्लाह ताला ने वो बीमारी दूर फरमाई और उसके बाद में हालात ऐसे बदले कि जो कुछ
उनके पास था उससे कहीं ज्यादा माल और दौलत और सारी चीजों की फरावानी उनके पास देखने में आ रही उसके बाद। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को आप देख लीजिए, जब वो अपने लोगों के साथ निकले तो एक मौके पर फिरौन अपने गैज़ और गजब में आग में भुना हुआ उसकी अपनी फौज के साथ निकल पड़ा, चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को खत्म कर दे किसी तरह से। जब मूसा अलैहिस्सलाम चलते हुए एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर आगे बढ़ते हैं तो समंदर की मौजें हैं जिससे बचने के बजाय कोई इम्कान दिखाई नहीं देते, और अगर पीछे मुड़ते हैं तो फिरौन का लश्कर है जो चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मानने वाले हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए हमेशा के। इस मंजर को देखकर उनके चाहने वाले उन्होंने खुद शिकवा और शिकायत शुरू कर दी कि मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया यहां पर, लेकिन एक नबी का यकीन देखिए उन्होंने क्या कहा, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है कि अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, अल्लाह हमारे साथ है, जरूर रहनुमाई फरमाएगा, ये यकीन था। और इस यकीन के बाद रहनुमाई कैसे की गई, देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी समंदर से बड़े महफूज हालत में अपने लोगों को लेकर रवाना हो गए, और फिर वही समंदर फिरौन और फिरौनियों के लिए कब्रिस्तान साबित हो गया। हालात क्या थे लेकिन क्या हुआ उसके बाद, इस पर नजर रखिए। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर आला, आपसे बढ़कर मुअज्जज और मुकर्रम इंसानों में ना कोई आया है और ना क़यामत तक आएगा, मगर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइशों से गुजरना नहीं पड़ा, गुजरना पड़ा। हालात क्या थे वहां पर, हत्ता कि आप सिर्फ गारे सौर का हिजरत के मौके पर वाकिया अपने जहन में रखिए, वो कैसे हालात थे कि आपको गारे सौर में हिजरत करते हुए पनाह लेनी पड़ी। और एक मौके पर तो ऐसे लगता था कि मुशरिकीन अरब का एक वफ तलाश करते हुए करीब तक पहुंच चुका है। उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बेचैनी बेकरारी वो समझ में आती है कि किन हालात में हम यहां तक पहुंचे, और यहां तक अगर वो लोग आ गए हैं हमें देख ले नीचे तो क्या बनेगा। मगर एक नबी का ईमान देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बेचैनी को देखा तो क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह जो हमारे साथ है अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा। वहां तक पहुंचे वो मगर गार में जो है उन्हें देखे बगैर वहां से आगे बढ़ गए, वहां से वापस चले गए। वो कादिर मुतलक है, वो जब चाहे हालात को बदल सकता है, वो जब चाहे जैसे चाहे बचा सकता है। तो इसी तरह से हमें मौजूदा हालात में जो लोग क्या अरब ममालिक, क्या मशरिकी ममालिक, क्या मगरबी ममालिक हमेशा परेशानी का शिकवा और शिकायत कि अब क्या बनेगा, अब कहां हम पहुंचेंगे, हमें अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से कुछ सबक सीखना चाहिए जो कुरान करीम में पेश की गई है। और इन हालात में हमारे लिए कुछ बहुत ही अहम बातें हैं, जैसे अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खतरनाक जो बीमारी उस जमाने में थी प्लेग ताउन की बीमारी, उस सिलसिले में कुछ अहम बातें फरमाई कि मोमिनाना अंदाज ये है कि मुश्किल हालात में भी वो सबक और इबरत हासिल करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि इन हालात में एक मोमिन अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को डिजायर्स को कम करके आखिरत की तरफ तवज्जो देने लगता है। हमारे लिए इसमें एक सबक है कि हम अपनी उस कल की फिक्र करें जिसके बाद कोई दोबारा कल आने वाला नहीं है, यानी आखिरत की फिक्र, इसके लिए हमें अमल की तरफ रगबत करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अमल करें। इस बीमारी को हम या परेशानी को इस वक्त जो चल रही है हम रुजू इल्लाह
का जरिया बनाए, अल्लाह की तरफ रुजू करें। और अल्लाह की तरफ रुजू करने का मतलब अपने आमाल का असर नो रियलिस्टिकली हकीकत पसंदाना जायजा लें कि मेरी जिंदगी में दीनी कितने काम हैं जो आखिरत में काम आने वाले हैं, कब्र में काम आने वाले वो कौन से काम हैं, वो कौन सी नेकियां हैं जो मैंने कर रखी है। दुनिया वालों को तो मैं किसी भी तरह से मुतमईन कर सकता हूं, लेकिन क्या अल्लाह जो आलिमुम बिलगैब, अल्लाह जो आलिमुम बिदाती सुदूर है, अल्लाह ताला जो अल्लामुल गुयूब है, क्या उसे भी मैं अपने जवाब से मुतमईन कर सकता हूं? ये हमें सोचना चाहिए। इसके लिए हमें खास तौर पर बुखारी में एक हदीस है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहां पर खत्म करना चाहता हूं इस हदीस के जरिए से, इसको हम हमेशा अपने सामने रखें, जिसमें हमारे लिए एक रहनुमा उसूल बनाया गया है। नेअमतानि मक़बूलुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सेहतु वल फराग, दो ऐसी नेमतें हैं जिसका बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, गाफिल है उस नेमत है, मगर नेमत को हम या तो नहीं पहचानते या उसकी नाकदरी करते हैं। कसीरुन मिन अन्नास कहा जाता है, मेजॉरिटी और लार्ज मेजॉरिटी लोगों की इन नेमतों के बावजूद केयरलेस, बेतवज्जुही और गफलत का शिकार है। कौन कौन सी वो दो नेमतें खास तौर पर जो जिक्र की गई, जो इन हालात में हमारे लिए एक महमीज का काम करती है, वार्निंग साइन है हमारे लिए, कौन सी चीजें हैं वो? एक तो कहा गया सेहत, तंदुरुस्ती, कि अल्लाह ने सेहत दी है, एक बहुत बड़ी नेमत है। COVID-19 की वजह से सिर्फ ये 3 महीने का आप जायजा लें, जो लोग इस मुसीबत का शिकार हुए अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन जो लोग इस मुसीबत का शिकार हुए किन आजमाइशों से उन्हें गुजरना पड़ा, और फिर उसके बाद जो कुछ तकलीफों को उन्होंने फेस किया, जिन तकलीफों से वो गुजरे हैं, आप उनसे जरा पूछ कर देख लीजिए। और फिर इसके अंदर कोई आम आदमी भी नहीं कि सिर्फ आम आदमी अवामुन्नास यही मुब्तला हुए हों, ये इब्तला और आजमाइश किसी के लिए भी आ सकती है, हत्ता कि ये रॉयल फैमिली में भी आ सकती है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी आ सकती है, जहां पर जाहिरी कोई असबाब और वसाइल की कमी नहीं है, हर तरह की असबाब और वसाइल की फरावानी है, मगर इसके बावजूद आजमाइश इब्तला, ये कानून ऐसा है कि क्या अमीर क्या गरीब, क्या सिविलाइज्ड कंट्री, एडवांस और तरक्की याफ्ता ममालिक या पसमानदा ममालिक, हर जगह आप ये देख सकते हैं, हर जगह इसका मुशाहदा किया जा सकता है। तो कहा यह गया कि सेहत एक ऐसी नेमत है जिसकी लोग कदर नहीं करते। मेरी सेहत है, कभी शौक हुआ कि आज मैं नवाफिल पढ़ू, मेरी सेहत अच्छी है क़ियामुल लैल का एहतमाम करूं, मेरी सेहत अच्छी है नवाफिल यानी रोजों का एहतमाम करूं, मेरी सेहत अच्छी है कुछ मखलूक के खिदमत खल्क के भी कुछ काम कर लूं, मेरी सेहत अच्छी है मैं कोई दीनी काम करूं जिससे लोगों की रहनुमाई हो सके, अगर नहीं तो फिर इसका माना यह हुआ कि मैंने सेहत की कदर ही नहीं की। बीमार होने के बाद ये कहना काश मेरे अगर सेहत होती तो मैं तहज्जुद पढ़ता, जब तक सेहत थी क्या आप पढ़ते रहे, जब तक सेहत थी क्या आपने कुरान की तिलावत की, जब तक सेहत थी क्या आपने अच्छे काम किए, जो बीमारी के दौरान आप कह रहे हैं कि अगर सेहत होती तो मैं ये करता तो मैं ये करता। और दूसरी जो चीज, वक्त, खास तौर पर लॉकडाउन में ये महसूस किया गया कि जहां कुछ लोगों में दीन की तरफ रुजू करने का शौक और जज्बा पैदा हुआ, कुछ लोगों ने कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश की, कुछ लोग कुरान करीम की सिर्फ तिलावत, और कुछ ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान का तर्जुमा उसकी तफसीर वगैरह भी पढ़ने सीखने की उन्होंने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसी नाजुक सूरत हाल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठकर वक्त गुजारी के लिए ऐसा उन्होंने सामान फराहम किया जो अखलाक और किरदार के मुनाफी है, शरी तौर पर भी गलत है, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं,
और बहुत ही गलत हरकतें घर में बैठे हुए उनसे सरजद हो रही है। यानी इस इबरत के मौके पर भी वो लोग इबरत से गोया के महरूम होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि टाइम गुजारना है तो टाइम गुजारने के लिए ऐसा उन्होंने सामान फराहम किया जो टाइम गुजारने के लिए लोग किस तरह से जी शेख, आपकी आवाज और आपकी वीडियो बंद हो गई है। जी आपके जी आपकी वीडियो आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही शेख। जी अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। आप 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि हमने देर से शुरू किया था। जज़ाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह फ़िकुम। कोई टेक्निकल खराबी की वजह से माज़रत ख़्वाह हैं कि तो मैं ये कह रहा था कि दो ऐसी नेमतें हैं जिसका बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, गफलत का शिकार हैं। उनमें से एक सेहत है और दूसरे फ्री वक्त है। तो यहाँ पर फ्री वक्त यानी खाली वक्त है, लॉकडाउन है, घरों में बैठे हुए हैं। इससे फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने अपनी दीनी तालीम को जारी रखने का सिलसिला शुरू किया। कुरान करीम के साथ उन्होंने मोहब्बत का सबूत दिया कि कुरान की तिलावत, फहम कुरान, तदब्बुर कुरान किसी उस्ताद के जरिए से, तफसीर वगैरह उन्होंने पढ़ने और सीखने की उन्होंने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा खैर है। और कुछ लोगों ने वक्त गुजारी के कुछ और तरीके इस्तेमाल किए जो एक मोमिनाना शान नहीं है कि लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए टीवी और ड्रामे, फिल्में और न जाने कौन कौन सी चीजें हमने शुरू कर रखी है जो एक मोमिन के लिए किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। चे जाए कि इतने नाजुक हालात में जबकि हम आए दिन अमवात की खबर सुन रहे हैं, जानने वाले की वफात, आलिम दीन की वफात, फलां की वफात, फलां की वफात, इसके बावजूद अगर हम घर में बैठकर घंटों टीवी की नजर कर रहे हैं तो क्या ये कोई अकलमंदों का तरीका होगा? दुनिया में हम देख रहे हैं कि क्या कुछ मुसीबत और परेशानी आ रही है, इसके बावजूद अगर हम सबक हासिल करने की कोशिश ना करें तो हमारे लिए जरूरी है कि यहाँ पर वक्त को वक्त गुजारी का जरिया ना बनाइए, वक्त का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। बेहतर इस्तेमाल अपने
तालीम के जरिए से, बेहतर इस्तेमाल अपनी इबादत के जरिए से, बेहतर इस्तेमाल अपने अहल वयाल और अपने जो मुतालिकीन है उनकी खबर गिरी, और खबर गिरी ऑनलाइन भी की जा सकती है। जो अल्लाह ताला ने आपको सहूलत दी है उसके जरिए से भी हम फायदा उठा सकते हैं। यानी ऐसे काम हम सबको करने की जरूरत है जो मरने के बाद काम आ सके। इस बीमारी की वजह से कितने लोग दुनिया से रुखसत हुए और कल क्या खबर आने वाली है किसी को नहीं मालूम। इसके लिए अकलमंद आदमी वो है जो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करे, यानी ऐसी इस्तेमार सरमायाकारी जो मरने के बाद काम आ सके, जिसका फायदा कब्र में हो सके, जिसका फायदा मैदान महशर में हो सके। वो कौन से आमाल हैं जो मरने के बाद भी काम आ सकते हैं, यही हमें गौर करना चाहिए और उसी पर हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया तंगी तुरशी जिस तरह भी हो गुजर जाए, मुझे अल्लाह ने जो वक्त दिया है उससे पूरी दुनिया मिलकर, चाहे कोरोना वायरस हो या ना हो, ना एक मिनट पहले मेरी मौत आ सकती है और ना एक मिनट के बाद। जो मुकर्रा वक्त है अजल मुसम्मा वो जब आएगी तो उसी वक्त मेरी मौत आएगी, लेकिन यह है कि मरने के बाद क्या मेरे पास कोई ऐसे आमाल हैं जो मेरे हक में फायदा मंद साबित हो सके, इसका बहुत संजीदगी से हमें जायजा लेना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक मायूसी की कैफियत जो खास तौर पर बिलाद अरबिया के अंदर रहने वाले इख्वान व अहबाब उनके साथ देखने में आई, तो उसमें यह है कि अब कल क्या होगा, जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, कल हमारे लिए कोई बंदोबस्त होगा या नहीं होगा। देखिए अल्लाह ताला ये रज़ाक है, अल्लाह ताला ये कादिर मुतलक है। बेशक हम असबाब और वसाइल इख्तियार करें, इस्तेमाल करें, मगर अपना भरोसा अपना तवक्कुल अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर हमारा होना चाहिए। और इसके लिए हमें जाब के छूटने से ज्यादा अमल के छूटने की फिक्र होनी चाहिए कि अगर मेरा अमल छूट गया, आखिरत से मेरे रिश्ता कमजोर हो गया, चाहे मैं सऊदी अरब में रहूं, बिलाद अरबिया में रहूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहूं या मगरबी ममालिक में रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमल के साथ मेरा ताल्लुक हो तो हर जगह उसका फायदा ही फायदा होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत की तालीमात समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस आजमाइश और मुसीबत से हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह जो हमारे भाई और बहनें दुनिया से जा चुके हैं अपने फजल व करम से उनकी मगफिरत फरमाए, और जो मुसीबत का शिकार है अल्लाह ताला इस मुसीबत को दूर फरमाए, उनको शफा अता फरमाए, और जो हमारे भाई बहने दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वजह से परेशानी का शिकार हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुम अल्लाह खैर, अहसन अल जज़ा। शेख अब्दुल हादी आपसे लंदन से खिताब में खिताब फरमा रहे थे, आपका जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपने बेहतरीन अंदाज में अपना मौकफ अपना मौजू जो है वो निभाया है। अल्लाह ताला आपको आपके तमाम अहले खाना को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फरमाए। अब चूंकि हमारे दूसरे लेक्चर का टाइम हो चुका है, तो आज के दूसरे लेक्चर के जो शेख हैं फजीलत शेख डॉक्टर कारी अहमद दीन साहब हाफिजुल्लाह हैं,
आपका तल्लक पाकिस्तान से है और आपने 1944 की आपकी पैदाइश है। 1965 में जामिया इस्लामिया गुजरांवाला में अरबी फाजल और तजवीद की तालीम से फारग हुए। फिर आप की गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल सियालकोट में अपॉइंटमेंट हुई और 6 साल बहसियत उस्ताद पढ़ाते रहे और साथ साथ में जामिया अहले हदीस मोहल्ला अहमदपुरा सियालकोट में इमाम और खतीब भी रहे। 1976 में महदुल हराम मक्की में दाखला हुआ और दोबारा सानविया की तालीम और सर्टिफिकेट हासिल किया। 1980 में जामिया उम्मुल कुरा आलमी यूनिवर्सिटी मक्का मुकर्रमा में दाखला हुआ तो आपने एमए बैचलर की डिग्री हासिल की और पीएचडी की डिग्री हासिल की। तकरीबन 20 साल दारुल हदीस खैरिया मक्का मुकर्रमा में बहसियत उस्ताद पढ़ाते रहे और साथ साथ में तकरीबन 10 साल तक हरमे मक्की में तजील अरशाद में कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर पढ़ाते रहे। अब दावा सेंटर माबदा मक्का मुकर्रमा में बहसियत मुदर्रिस काम कर रहे हैं। माशाल्लाह शेख की सारी जिंदगी दीन की खिदमत करने और पढ़ने पढ़ाने में ही गुजरी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको ईमान वाली लंबी जिंदगी दे ताकि अल्लाह ताला के दीन की मजीद दर मजीद खिदमत करते रहें। अब मैं शेख को दावत देता हूं कि वो अपने लेक्चर का आगाज फरमाए। आपका मौजू है रिज़्क़े हलाल। फजीलत शेख डॉक्टर कारी अहमद दीन साहब हाफिज़ाहुल्लाह से गुजारिश है कि वो अपने लेक्चर का आगाज फरमाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليه من قول وعمل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون غادر ابتداء अल्लाह ही के नाम नामी से जो अल्लाह कुल कायनात पर रहम फरमाने वाला निहायत मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की ला महदूद हम्द सना के बाद अनगिन सलातु सलाम बरूहे खैरुल अनाम जनाब इमामुल अंबिया खातमुन नबियीन खत्मुल मुरसलीन المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آپ صلى الله عليه وسلم کے آل و اصحاب اور
قیامت تک آنے والی امتیوں پر اللہ رب العالمین سلامتی فرمائے. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. وبعد، اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جو عزت و تکریم سے نوازا اور جنت میں ٹھہرایا اور پھر تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالا. پیدا تو دنیا کے لیے زمین کے لیے کیا تھا، لیکن تربیت کے طور پر جنت سے نکالا اور ساتھ یہ تاکید کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس پر ہدایت پر چلے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اس پر کوئی غم، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے استغفار کی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کچھ کلمات اللہ نے الہام کیے، وہ پڑھتے رہے، اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ اللہ کے مقربین میں سے رہے. اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے بے شمار رسول مبعوث فرمائے اور ان میں سے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر جو اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی وہ پہلی کتابوں، آسماء الہامی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام دین اسلام پر زندگی گزاری اور اس کی دعوت دیتے رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل کیا قیامت تک کے لیے، اور اسے دین فطرت، دین رحمت قرار دی. اس دین فطرت اور دین رحمت میں پہلی الہامی کتابوں کا خلاصہ ہے اور ان کو سمے ہوئے. جیسے کہ معلوم ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں پانچ چیزوں کی حفاظت کی بنیادی تعلیم رہی، دین اسلام اور اس کے تحفظ کی سارے انبیاء علیہ السلام تاکید کرتے رہے. انسانی جان کے تحفظ کی تمام انبیاء علیہ السلام نے تاکید کی کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جوانی میں غیر شعوری طور پر ایک آدمی جو ہے تو زیادتی کر رہا تھا، اس کو تعذیب کی، اللہ کی قدرت وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ نے معاف کیا، اس کے بعد نبی بنایا، معجزات سے نوازا، لیکن قیامت کے دن جو لمبی حدیث ہے شفاعت کی، موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا جائے گا کہ اشفع لنا عند ربک، آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کیجیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو خصوصی کلام سے نوازا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، رسالات اور معجزات کے علاوہ. تو موسیٰ علیہ السلام کانپ کے یہی کہیں گے، نفسی نفسی ان ربی غضب الیوم غضبا لم یغضب قط ولا یغضب بعد، ارے مجھے سفارش کے لیے کہہ رہے ہو، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی. اللہ رب العالمین آج اتنے غیظ و غضب میں ہیں جتنے کبھی نہیں ہوئے اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوں. انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها،
मुझसे एक आदमी मर गया था जिसके मारने का मुझको हुक्म नहीं था, इस वजह से मैं डर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी जवाब तलबी ना कर। और फरमाया कि जिसने नाहक किसी एक जान को कत्ल किया फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ, वो पूरी इंसानियत का कातिल जो नाहक किसी को एक जान को कत्ल करता है। तो इसी तरह अकल की हिफाजत के लिए सब अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अकल को जायल करने वाली मनशियात से मना किया और उनको हराम करार दिया। और माल के तहफ्फुज के लिए चोरी डकैती को तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मना किया और इससे नफरत दिलाई। इसी तरह इस्मतों और इज्जतों का तहफ्फुज जो है, किसी पर तोहमत लगाना, किसी के खिलाफ प्रोपेगंडा करना नाजायज ना हक, इससे भी सब अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मना किया। सारी दुनिया के कवानीन इन कुल्लियात खमसा पर के गिर्द घूमते हैं, इन की चीज़ों की हिफाजत के लिए। तो उन चीज़ों में से माल फरमा जाल्ला रकम क़यामन, ये दुनिया की मईशत के सहारे का ज़रिया है। तो इसकी हिफाजत करो, वला तो सुफा मालकमल्लति जाल्ला, नादानों और बेवकूफ़ों के हाथ में माल नहीं दो, और किसी से किसी का माल ना हक नहीं लो, किसी का हक नहीं जब्त करो। अकल हलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलों को इसकी ताकीद की, या अय्युहर रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबाति वअमलु सालिह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म रसूलों को है वही उम्मतों उनको मानने वालों को है कि हलाल पर इक्तिफा करें, हलाल तय्यब चीज़ें उमदा चीज़ें खाएं और अमल सालिह करें, यानी अमल सालिह इबादात की कबूलियत का दार मदार हलाल खाने पर है, अक्ल हलाल पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं उनमें से एक मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह कबूल करते हैं जब तक वो सफ़र की हालत में रहता है और सफ़र की मशक्क़तें बर्दाश्त करता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया एक मुसाफिर का कि बहुत परागंदा हालत में, भूख प्यास की हालत में वो अल्लाह को पुकारता है, या रब या रब अमतअमुहु हरामन अमलबसु हरामन वगुदीब हराम अन्ना युस्तजाब। लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी हराम खाने पर गुजरी, हराम का लिबास उसके तन पर है, तो उसकी दुआएं अल्लाह कैसे कबूल करे। तो इबादत हर मज़हब में इबादत का तसव्वुर है, किसी न कोई तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इबादत मकबूल वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के तरीके के मुताबिक हो। लेकिन उनकी कबूलियत का दार मदार अक्ल हलाल पर, जिसके हलाल पर, जिसके हलाल। इसमें फरमाया जिन लोगों ने लापरवाही बरती और मनमानी की, मनचाही की, उसने उनको फरमाया हमने मोहलत दी अजल मुसम्मा तक, लेकिन फिर उनको नेस्तो नाबूद कर दिया बिमा कान यक्सबून, उनकी बदअमलियों की वजह से। इसलिए पहले पारा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलू मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यिबा, अल्लाह की ज़मीन में, अल्लाह के पैदा किए हुए रिज़क में से हलाल तय्यिब खाओ, हलाल के साथ तय्यब की कैद लगाए, पाकीज़ा
यानी उनको हासिल करने का तरीका भी सही हो, जायज हो, नाजायज ना हो। चोरी डकैती ये हर शरीयत में हराम नहीं है, इसका कोई जवाज नहीं। और फिर वो चीज़ें अमदा भी हैं, यानी हलाल चीज़ है अगर उसमें ख़राबी आ गई है, गल सड़ गई है, तआफ़ुन पैदा हो गया है, तो वो ना खाओ। इस्लाम ने हर मुज़िर चीज़ को हराम करार दिया, चाहे उसमें वक्ती फ़ायदे हों। फरमाया शराब में, जुए में वक्ती फ़ायदे कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका गुनाह इनके फ़ायदों से बड़ा है। और फिर बिल्कुल हराम करार दिया उसको हिजरत के तीसरे साल के ये शराब और जुआ, क्योंकि इनका नुकसान इनके फ़ायदों से ज़्यादा है, इसलिए ये कतई तौर पर हराम है और शैतानी काम है। और इनसे बाज आ जाओ, इनसे बाज आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद शराब बनाने वाले, बनवाने वाले, बेचने वाले, उठाने वाले और है पिलाने वाले सब पर लानत फरमाई। तकरीबन 10 अफराद हैं जो इसकी जद में आते हैं, पर लानत फरमाई जो भी किसी तरह इसमें शरीक हों, शराब नोशी में या शराब बनाने में या बेचने में, या हत्ता के हामिल हो, जो मजदूर उसके करतून उठाता है उस पर भी लानत फरमाए। उसका अगर इलम है कि ये शराब के करतून हैं तो उसको वो मजदूरी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि ये अकल को जो बहुत बड़ी अल्लाह की नियमत है और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत बख्शी है, उसको जायल करती है। बीवी और बेटी के दरमियान फ़र्क जो है वो नहीं रहता जो शराब के नशे में होता है। और सूद को हराम करार देना, क्योंकि सूद में जुल्म है और सूद लेने वाला जिससे सूद लेता है उसकी मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाता है, इसलिए सूद को हराम करार दिया। और फरमाया कि क़यामत के दिन इसका अंजाम बतलाया, ये थब्बत हुश शैतान मिन अल मस, जो है सूद खार का हशर इस तरह होगा जिस तरह अशेब ज़दा का होता है। और यमहकुल्लाहु रिबा, फिर उसके माल में बरकत ख़त्म हो जाती है। जब माल में बरकत गई तो फिर उसके असरात उसके अहल अयाल पर भी पड़ते हैं। और फरमाया अगर बाज नहीं आते हो तुम सूद से, फादनु बिहर मिन अल्लाह रसूल, फिर अल्लाह रसूल पर तुम्हारा ईमान नहीं रहा, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि मुझे दिखाया गया, दो आदमी मुझे पकड़ के ले गए, घुमाते फिराते रहे, एक खून के दरिया पर खड़े हुए लेके मुझे, उसमें एक आदमी गोते खा रहा है और एक आदमी किनारे पर खड़ा है, पत्थर उसके पास हैं बहुत से, वो कोशिश करता हुआ जब वो किनारे पर आता है तो वो उसके मुंह में पत्थर मारता है और वो पत्थर मुंह में लेके फिर पीछे धकेला जाता है, फिर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख के परेशान हुए, पूछा उनसे, फरिश्ते थे, फरमाए ये सूदखार है और ये इसी तरह इसका अजाब है, ये लोगों की मजबूरियों से जो नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचो, ये बहुत बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाह हैं, इनसे तौबा के बगैर, सच्ची तौबा के बगैर
نجات کی کوئی صورت نہیں ہے, دنیا میں بھی ذلت ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا کرانا اور سحر. آج کل بہت سے نام نہاد مسلمان اس لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں, حسد کی بنا پر اپنے رشتہ داروں یا اپنے قریبیوں پر جادو کرتے ہیں, کرواتے ہیں. اس میں چونکہ نقصان ہی ہوتا ہے جادو سے, فائدہ کسی کا کچھ نہیں ہوتا اور نقصانات زیادہ ہیں, اس لیے یہ جادو کرنا کرانا سیکھنا سکھانا یہ سب موبقات میں سے ہے. عبادات کو برباد کر کے انسان کو برباد جہنم کا ایندھن بنانے والے گناہوں میں سے. قتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی جان کو ناحق قتل کرنا. قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی قتل النفس آیا, مسلمان غیر مسلم کی قید کے بغیر جو ہے انسانی جان کی کا اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم قرار دیا ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, حتیٰ کہ کافر کو بھی قتل کرنا جنگ کے خلاف, اس کے جب جنگ میدان جنگ میں ہو, اس کے علاوہ کسی مستعمن کو قتل کرنا اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا جو جنگ نہیں کر رہا. اور اکل ربا, سود کھانا, سود کا کاروبار کرنا, اور یتیم کا مال ہتھیانا کسی بھی طریقے سے. فرما ولا تقربوا مال یتیم الا بالتی ہی احسن, یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ سوائے اس کے جس میں اس کی بھلائی ہو, بہتری ہو اور اس کی اصلاح. اور سورۃ النساء کی 10 آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, بڑا سخت خوفناک فتویٰ اللہ تعالیٰ کا, ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بلا شبہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. یأکلون فی بطونہم نارا عام فہم لفظ ہیں سورۃ النساء کی 10 آیت. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر یتیموں کے بارے میں تاکیدیں کی ہیں اور ان کے حقوق بیان کیے ہیں اور خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں کہ یہ کمزور ہوتے ہیں, یتیم بھی اور خواتین بھی, ان پر ظلم زیادتی زیادہ ہوتا ہے. تو 10 آیت یہ عام فہم لفظ ہیں, ہر آدمی تھوڑی سی توجہ دے تو سمجھ سکتا ہے. اللہ کا خوفناک فتویٰ ہے, ان الذین, بے شک جو لوگ بھی, یاکلون کھا رہے ہیں یا کھائیں گے, اموال الیتامى, اموال مال کی جمع ہے, یتیموں کے مال, یتامى یتیم کی جمع ہے, ظلم ناحق, انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ بھی کلمہ حصر ہے, انما قطعی بات ہے, حقیقت ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. بعض ترجمہ والے نے اس کا معنی بھر رہے ہیں بھی کیا ہے, وہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اس طرح سگریٹ نوش جو ہے, سگریٹ تو تمباکو نوشی کرنے والا اپنے جسم میں گندک بھر رہا ہے, اپنے جسم میں گندک کی افزائش کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنمیوں کی کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار, یہ دونوں علامتیں سگریٹ نوش کی ہیں, جسم میں گندک کی بھرتی اور منہ میں آگ. تو یہاں بعض ترجمے والوں نے بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں, لیکن لفظی معنی یا کلونا کھا رہے ہیں, یہ کھائیں گے اپنے پیٹوں میں آگ. وسیصلون سعیرا, اور عن قریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. عن قریب یعنی مرتے ہی یہ لوگ جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں ناحق, یہ جہنم میں جائیں گے. کیا معنی, اگر کوئی نماز روزہ کرتے ہیں تو برباد,
नमाज रोजा बर्बाद हुआ तो मरते ही जहन्नम में गए। ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे बर सगीर में, ये तीजा साता चालीसवां इस तरह की ये बिदआत के नाम पर यतीमों का माल खाया जाता है, और मौलवी साहब इस कुरान की आयतें पढ़ के उसको खाना शुरू करते हैं और बरादरी वाले भी खाते हैं। तो बेवा औरत कराती है, ये बिदआत करती है तानों के डर से कि अगर नहीं करेगी तो बरादरी वाले ताना देंगे, लेकिन सब भूल जाते हैं उस वक्त अल्लाह का फरमान। और आलिम मौलवी जिसको जिसका फरीजा था लोगों को आगाह करे बताए, वो पेश पेश होता है। ये हर मुसलमान को कोई तर्जमा को देख लें, वैसे आम फहम लफ्ज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हमने कुरान पाक को नसीहत के लिए आसान किया है, कोई नसीहत लेना भी चाहे। और कुरान फहमी पर, कुरान पे समझने समझाने पर दुनिया में जितना काम हुआ है, जितनी मेहनत हुई है, किसी किताब पर इतनी मेहनत नहीं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग भी याकुलूना खाते हैं खाएंगे, फेल मुजारे दोनों माने। अम्बाल यतामा, अम्बाल माल की जमा है और यतामा यतीम की जमा है, जो लोग भी यतीमों के माल नाहक खाएंगे। इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कति हकीकत है कि वो अपने पेटों में आग खा रहे। वसयस्लौना सईरा, और अन करीब दाखिल होंगे ये जहन्नम की बढ़ती हुई आग। सईर जहन्नम की आग का नाम, यानी उनकी इबादत भी बर्बाद जो यतीमों का माल खाते। डरना चाहिए उन मौलवियों को जो चंद निवालों की खातर इन बिदआत को की तरवीज दे रहे हैं, और बरादरी के लोग जो ताने देते हैं अगर ना ये बिदआत हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कलमा पढ़ने वालों के जिनके घर में मैयत है उनको खाना खिलाओ कम से कम 3 दिन, उनसे खाने का तकादा नहीं करो। मैयत वाले घर से खाना खाने का कोई जवाब नहीं। कोई दूर से जो लोग आते हैं ताज़ियत के लिए उनको भी कोशिश करनी चाहिए वो या खाना अपना खा के आएँ या साथ लेके आएँ, मैयत वाले घर से खाने का तकाज़ा न करें, उम्मीद न रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जहन्नम की आग कहे, ये आग है, आग खाना है, यतीमों का माल खाना, मैयत वाले घर से खाना, इसका कोई जवाब नहीं है इस्लाम में। ये तीजा साता चालीसवां ये हिंदुओं की रस्में हैं, इन पर वो वैद पढ़ते हैं उनके साधु संत, और ये मुल्ला मुलाने कुरान की आयतें पढ़ के वो यतीमों का माल खाते हैं और खिलाते हैं बरादरी को भी, सब लोगों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खौफनाक फतवा है, सूरत निसा मदनिया है, महकम आयत है, महकम आयत है, इसमें कोई जो है तावील नहीं हो सकती, और क्लियर कट अल्लाह ताला का फैसला है। इसलिए डरना चाहिए यतीमों के माल खाने से, और मैयत वाले घर से किसी नाम पर पीजे साते या चालीसवें के नाम से, ये सब बिदआत हैं, ये जहन्नम में ले जाने वाली बिदआत हैं, उनसे डरो बाज आ जाओ। तो फरमाया इबादात को बर्बाद करने वाले और जहन्नम का बालन बनाने वाले ये अमाल हैं, उनमें से यतीमों का माल खाना और मैदान जंग से फरार राह पे इख्तियार करना कि दुश्मन का लश्कर बहुत ज़्यादा है क्या करें मर जाएं। क़ज़फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल ग़ाफ़िरा, पाक बाज पाक दामन ख़वातीन पर तोहमत लगाना,
बहुत से लोग उनका जो है इसको गुनाह ही नहीं समझते, दूसरों की बहू बेटियों के बारे में जो है गलत अफवाहें उड़ाना और गलत प्रोपेगेंडा, इसको गुनाह ही नहीं समझते, इसको अपनी काबिलियत समझते। ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने वाले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि जो शख्स एक बालिश जमीन किसी की नाजायज हथिया लेता है, मन अखदा शिबरम मिन अल अर्ज जुल्मन, जो किसी का किसी की जमीन नाजायज तरीके से एक बालिश हथिया लेता है, तुब कहो इला सब अर्जीन यौम अल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सात जमीनें उसके गले का तौक बनाएंगे, सात जमीनें उसके गले का तौक बनाएंगे। एक बालिश जमीन जिसकी जो है कि यतीमों का प्लाट था, एक बालिश दीवार थोड़ी ही आगे कर ली कि मेरी कोठी में बंगले रखने के लिए जगह बन जाए। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बिल्डिंग भी इसकी पीठ पर लदी होगी और सात जमीनें अल्लाह उसके गले का तौक बनाए। बलहु अजाब मुहीन, ये जिल्लतनाक अजाब क़यामत के दिन सारी दुनिया के सामने जहन्नम से पहले। तो जो बहनों का हिस्सा दबा लेते हैं, जो भाई मुसलमान होते हुए, या वो लोग जो दीनदारी की जिंदगी गुजार के आखिर में अपनी जायदाद बेटों के नाम मुंतकिल करा देते हैं ताकि बहनों का जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर किया है वो तकाजा ही ना कर सके, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन विरासत के कवानीन बयान करने के बाद फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह के कवानीन, और जो इनको मानेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया की भी इज्जत और आखिरत की भी इज्जतें देगी, जन्नतें हमेशा हमेशा। वमन यअसिल्लाह व रसूलह, और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की इन कवानीन की नाफरमानी करेगा, युद्खिलहु नारन खालिदन फीहा, ये सूरतुन निशा में देखिए जो है 13 नंबर आयत है गालबन, युद्खिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको आग में दाखिल करेगा, हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और इसके लिए अल्लाह ताला उसको जिल्लत का अजाब देंगे। इसलिए सूरतुन निशा में अल्लाह ताला की सिफ़त अलीम ज्यादा आई, अलीमुन हकीम, इन्नल्लाह कान अलीमुन हकीमा, बिकुल शैइन अलीम, अल्लाह जो सब कुछ बेहतर जानने वाला है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, ये उसके कवानीन है। सूरतुन निशा में ये सिफ़त ज्यादा अल्लाह ताला की आई, 20 बार आई के शैतान के कहने पर अपने सोच फहम को सवाबदीद ना समझो, ये मेरी सवाबदीद है, ये अल्लाह को के कानून को गलत करार देना है, अल्लाह के कानून को बदलना है। और मालूम है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में एक सिफर की कमी बेशी से जुर्म जुर्म अजीम समझी जाती नाकार। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून में तरमीम करता है ये लोग, अल्लाह के कानून को नाकिस समझता है ये शख्स जो अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्सों में कमी बेशी करता है, बाप हो या भाई। अल्लाह अकबर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज हकूक लेने वाले दिलवाने वालों को जो है रिश्वत के जरिए
उन पर भी लानत फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अब बुखारी शरीफ में अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की कीमत से मना किया, खून बेचने से, खरीदने से। खून हराम है, इसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। और कुत्ते की कीमत से, यानी कुत्ता और इसी तरह के दरिंदा सिफत जो जानवर हैं ये हराम हैं, उनको उनकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। कस्ब अमा, और फरमाया के बदकारी की कमाई जो है उससे भी मना किया, लानत फरमाई। और बदकारी करने वाली ख्वातीन जो बनावटी हुसन बनाती हैं, जो है तिलक लगाती हैं अपने जिस्म पर, या जो है दांतों को बुरे रगड़वा के उनको खूबसूरती के लिए ऐसा करती हैं, या मस्नूई बाल बला मिलाती हैं, इन सब पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और सूख खाने वाले और खिलाने वाले पर, और तिर्मिज़ी की रिवायत है, शाहिदाई हैं गवाही देने वालों पर भी लानत है, और लिखने वाले सूद का जो है लिखाई करने वाले पर भी लानत है। यानी ये सूदी बैंकों में मुलाजमत जो है ये भी लानत का सबब है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल आलमीन बनाया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर हुकूकुल इबाद में कोताही करने वालों पर लानत फरमाई। जो है लान अल्लाह मन गैर हुदूद अल्लाह, जो ज़मीन की हुदूद और जो है जो उसकी उसमें कमी बेशी करे उनको, उस पर भी लानत अल्लाह लानत फरमाए। चोरी करने वाले पर, चाहे मामूली चीज चोरी चुराए, लानत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया अल्लाह ताला लानत फरमाए। लानत का माना होता अल्लाह की रहमत से दूरी, लानत का माना अल्लाह की रहमत से दूरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में एक बीबी, जिस गालबन को उम्र या हज का सफर था, एक बीबी जिस ऊंट पर सवार थी या ऊंटनी पर, उसने कोई मस्ती की तो उस पर लानत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान में ये लफ्ज पड़ा तो आप तो चौंक गए कि हमारे इस काफिले में लानत। तो कहा गया कि वो फलां खातून है, उस वो जिस सवारी पर सवार है उसको लानत की है, किसी इंसान पर लानत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जिस ऊंटनी पर सवार है उसको लानत कर रही है, हमारे काफिले में ये लानत वाली ये जानवर, ये सवारी ना रहे। किसी ने सिफारिश नहीं की, सहाबा ने उसको उतारा, ऊंटनी को बिठाया और उसको उतारा, उसका सामान उतारा और उसकी नकेल निकाली और छोड़ दिया। सहाबी कहते हैं मेरे मुझे मंजर मुझे भूलता नहीं, वो फौरन जंगल में दौड़ गए कि अब ये ऊंटनी हमारे साथ ना रहे, हमारे काफिले में ना रहे। और उसकी सजा फौरी उस औरत को ये दी कि वो सामान अपना उठा के पैदल चले। इस हद तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत से नफरत दिलाई है। लेकिन इसके बावजूद आप अंदाज़ा करें कि जिन कामों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है वो कितने बुरे काम हैं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। फरमाया चोरी करने वाले पर, चाहे अंडा ही चुराए, अल्लाह लानत करे, अल्लाह उसको रहम अपनी रहमत से महरूम कर। और जो अपने वालिदैन पर लानत करे उस पर भी लानत, अल्लाह उसको अपनी रहमत से महरूम कर। वलअन अल्लाह मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के लिए किसी कब्र, किसी ढेरी, किसी नियाज के लिए कोई जानवर ज़बह करता है,
उस पर भी अल्लाह लानत फरमाए। अल्लाह पर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद पर अल्लाह लानत फरमाए जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादत का बनाया, नबियों की कब्रों को इबादत का बनाया, इस वजह से अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई यहूदियों पर। अब बर्रे सगीर में बहुत से भंगी चर्चियों और फर्जी कब्रों पर मज़ार बनाए गए, बड़े बड़े इमारतें बना दी गई और फिर उन पर, हालांकि ये हर पागल से पागल इंसान को भी मालूम है कि कब्र में दफन उसी किया जाता है जिसके बारे में यकीन हो जाता है कि इसकी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो, रूह नहीं रही, सल्ली करके कब्र में उसी को दफन किया जाता है जिसकी जिस्म में जान नहीं है। फिर उन कब्रों पर हाथ फैलाना और उनको अल्हय्युल कय्यूम, अल्लाह अल्हय्युल कय्यूम जो हमेशा ज़िंदा है और सब की सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है, उनको उस जैसा कर अल्लाह के बराबर करार देना और उनसे फरियादें करना, और उर्स कहते हैं शादी को, उर्स के नाम पर कब्रों की शादियां करना और उस पर ढेरों रुपए खर्च करना, इसका दीन इस्लाम में कहाँ जवाब हो सकता है? किसी फिका की किताब में इनके कामों का जवाब नहीं। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का सबब बनने वाले हैं ये काम। अल्लाह अकबर। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कोई शख्स पांव नहीं हिला सकेगा, हर शख्स को मैदान महशर में दोनों पांव पर खड़े होने की जगह मिलनी है, इससे ज़्यादा किसी को जगह नहीं मिलनी। ज़्यादा से ज़्यादा लंबा इंतज़ार है, हजारों सालों का दिन है, 50,000 साल का। अल्लाह पर जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं और गर्मी सख्त, पीने को पानी नहीं। ज्यादा से ज्यादा यह है कि कोई घुटनों के बल बैठ जाए, घुटने टेक के थोड़ा सा बैठ जाए, लेकिन चौकड़ी लगा के आराम से बैठने की जगह नहीं, इतना भीड़ा होना। फरमाया कोई शख्स उस वक़्त तक पांव नहीं हिला सकेगा अपनी जगह से जब तक उसकी बारी नहीं आती और अल्लाह रब्बुल आलमीन के 5 सवालों का जवाब नहीं देता। लैसा बैनहु व बैन अल्लाह तर्जमान, अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान फरमाया कोई वकील तो दरकिनार तर्जमान भी नहीं होना। हर शख्स से अल्लाह ताला ने ये 5 सवाल करने, कब्र के 3 सवाल बताए मुख्तसर और मैदान महशर के 5 सवाल हैं। उनमें मज़हब का कोई सवाल नहीं कि तुम्हारा मज़हब क्या था, किस मज़हब पर तुमने ज़िंदगी गुजारी। उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र के बारे में पूछना कि इतनी उम्र तुमको दी थी, उसमें तुमने क्या किया और ये अगली ज़िंदगी के लिए क्या करके आए, क्या लेके आए, छोड़ के आए, ये नहीं पूछा जाना। और जवानी के बारे में कि जवानी कैसे गुजरी, वन माल ही मिन आई ना इकतसब, माल के बारे में अल्लाह ने पूछना है कि कमाया कहाँ से, जायज़ तरीक़ों से या नजायज़ तरीक़ों से, जायज़ नजायज़ का ख्याल रखा या ना रखा। अगर कोई कहे कि अल्लाह मैं तो मज़दूर था, कभी मजदूरी भी मर जाती थी तो खून पसीने की कमाई करता रहा, वफीमा अनफका, उसके बारे में माल के बारे में दूसरा सवाल ये होना है
कि खर्च किन कामों में किया, खर्च किन कामों में किया। हैरानगी की बात है, बहुत से मुसलमान मजदूरी करने वाले सिगरेट ज्यादा पीते और उसके लिए बड़े उजर करते, ये बड़ी हिमाकत है। तालिबे इल्म भी सिगरेट पी रहा है, उसका प्रोफेसर जो है उस्ताद वो भी सिगरेट पी रहा है, मरीज भी सिगरेट का आदी है वो भी नहीं सिगरेट छोड़ सकता, डॉक्टर भी सिगरेट पी रहा है, वजारत सेहत के मुलाजम भी सिगरेट पीते, तंबाकू नोशी, और काफिर बनाने वाले सिगरेट वो लिख रहे हैं उस पर ये मुजिर है, मोहलिक बीमारियों का सबब है, लेकिन अक्सरियत इसकी आदि हो रही है और इस नशे के अंदर, इस नशे की जो पहली सीढ़ी है इसके अंदर मुबतला हो रहा है और जिंदगी इस पर गुजर रही है। वफीमा अनफका, ये माल के बारे में अल्लाह ने सवाल करना है कि अगर कमाया हलाल तरीके से तो क्या खर्च उसको हलाल में किया। इतने बंडल जिंदगी भर के सिगरेट जो पीने वाला है, क्या वो नेकियों के पलड़े में रखे जाएंगे या बुराइयों के पलड़े में? और बहुत से मुसलमान कहते हैं क्या करें जी, जो है सब लोग पीते हैं, बदबू ज्यादा आती है, फिर मैं भी एक सिगरेट पी लेता हूं खाने के बाद, हराम थोड़ा हो या ज्यादा हराम। उसके हराम होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि कभी भी सिगरेट नोश, तंबाकू नोश का जमीर कितना भी जाहिल हो, उसका जमीर ये गवारा नहीं करता कि उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना शुरू करे और मुंह गंदा करके अल्हम्दुलिल्लाह कहे और फिर मुंह से निकाल के पांव के तले मसलता है, फिर भी उसको हराम नहीं समझता। हैरानगी की बात। तो ये माल के बारे में ये भी अल्लाह की अदालत में सवाल होना है कि अगर कमाया हलाल से तो खर्च उसको कहाँ किया, ये भी पूछ। वमा ज़ामिल फी मालिमा, और जो इलम पर अमल कहाँ तक किया। इलम सिर्फ डिग्रियों का नाम नहीं है, बीवी और भाई की बीवी के दरमियान जो फर्क है उसको हर पढ़ा अनपढ़ जानता है कि वो भाई की बीवी मेरे लिए हराम है, इस पर अमल करना है, इस पर अमल करना है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कौन नहीं जानता इसका माना, झूठे का मुंह काला, क्या माना है, झूठ नहीं बोलना। ये इल्म है जो तकरीबन जो है हर शख्स को है, लेकिन फिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह कमल हाकमीन हमें जाहिरी बातनी मुसलमान बनाए, इस्लाम का माना हुक्म मानना, फरमाबरदारी करने वाले, हुक्म मानने वाले, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर ज़िंदगी दे और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मौत खात्मा बिलखैर फरमाए। फातिर अस्समावात वल्अर्ध अंत वलीयुना फिद दुनिया वल आखिरह, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم امين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह शेख ने खूब तैयारी के साथ कुरान और हदीस के दलाइल से अपने मौजू का पूरा पूरा हक अदा किया है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके इल्म व अमल में खैर बरकत अता फरमाए, आपके ईमान वाले, आपको ईमान वाली और सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपके अहल वयाल को और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अब मैं हमारे उस्ताद शेख मोहतरम फजीलत शेख अबू सईद
अनायत उर्रहमान उस्मान हाफिज़ाउल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो उलमा का शुक्रिया अदा करें और आइंदा जुमे जो हमारी कॉन्फ्रेंस जो चौथी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसका भी ऐलान फरमाए। शेख अबू सईद अनायत उर्रहमान हाफिज़ाउल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد نبي أكرم صلى الله عليه وسلم کا فرمان مبارک ہے من لم يشكر الناس لم يشكر الله اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ایک اور روایت میں من لا يشكر الناس لا يشكر الله تو اس حدیث کے پیش نظر जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। हम जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा ममलकत सऊदी अरब की जानिब से फदीलतु शेख डॉक्टर कारी अहमदीन हफिज़हुल्लाह और इसी तरह फदीलतु शेख अब्दुल हादी मोहम्मद अफजल उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के बेहद मशकूर ममनून है। आप हजरात ने हमें अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए और अपने अपने मौजू का हक अदा किया। रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि मौला करीम आपकी इन मुखलिस कोशिशों को शर्फ कबूलियत से नवाजे, आपकी इस आपके इस अमल को कल क़यामत के दिन आपके लिए ज़खीरा अंदोज़ी फरमाए, आपके मवाज़िन हसनात में उसको शुमार फरमाए। हम उन तमाम अस्हाबुल फ़ज़ीला उलमाए किराम और दाईयान इस्लाम के भी मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ़ अवकात में अपने कीमती मशवरों से नवाजा और हमारे इस दीनी काम में हाथ बिठाया और ताउन किया। और सबसे आखिर में हम अपने उन तमाम दीनी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तलब इल्म दीन खिदमत दीन दावत दीन इल्म अमल और ईमान यकीन में इजाफे के गरज से जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा ममलकत सऊदी अरब की इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी हाजिरी लिखवाई और इस तरह हमारी हिम्मत अफजाई फरमाए और हौसला अफजाई फरमाए। अजीज साथियों दीनी भाइयों हमारे इस दावा सेंटर के इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हमारे मुखलिस और खैरंदेश अजीज़ुल कदर भाई बिलाल मुनीर खालिद ये काफ़ी माशाल्लाह स्क्रीन के पीछे कहिए जिंदी मजहूल की तरह बराबर पोस्टर बनाना और बर वक्त उलमा से राबता करना और उनको कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए तरगीब दिलाना और जो मुआफ़क़ा देते हैं उनको मेरे पास उनके नाम और सारे मालूमात पहुंचाना ये बहुत अहम काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। इसी तरह आपके बड़े फर्जंद बिलाल मुनीर खालिद हफ़िज़हुल्लाह और अल्लाह उनको भी सेहत ऑफिस से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और एक और मेरे साथी जो बड़े मुखलिस हैं खैर अंदेश भी हैं और हर वक्त हमारे इस दावा सेंटर के कामों में पेश पेश रहते हैं, जब भी हमने उनको आवाज दी है तो लब्बैक कहा है। अल्लाह उनको भी सेहत आफियत से रखे, उनके आल औलाद को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत आफियत से रखे। अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क और रोजी के हलाल रिज़्क हलाल के दरवाजे उनके लिए खोल दे। अजीज साथियों आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अगली जो जुमा सैटरडे को शनिचर को हमारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अल्लाह के फजल व करम से बहुत से चोटी के उलमा हमारे साथ शरीक हुए हैं और कुछ उलमा अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है, बहुत जल्द इंशाल्लाह जवाब देंगे।
तो हमारे साथ शिरकत कीजिए ऑनलाइन और अपना अजर कमाइए और अपनी आखिरत को संवारिए, अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल कीजिए। ये बेहतरीन मौका है, घर बैठे आपको अल्लाह ताला इल्म के सरचश्मे आपके घर तक भेज रहा है। होना तो ये चाहिए था कि उलमा के पास आप पहुँचें, लेकिन उलमा आपके घर पहुँच रहे हैं। उनकी कदर कीजिए, उनके साथ रबते में रहिए, उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखिए, उनसे बराबर इल्मी इस्तेफादा कीजिए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु कुल्ल खैर, अहसनल्लाहु इलैकुम, रफ़अल्लाहु शानकुम, व अअज़्ज़ल्लाहु मक़ामकुम, व जअलल्लाहु अमलकुम हदा फी मवाज़ीन हसनातिकुम, वफ़क़कुमुल्लाहु लिकुल्ल खैर। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. अगर बिलाल को कुछ कहना है तो कहिए। जी, जो भाई हमारे साथ दावा सेंटर के पेज, फेसबुक पेज, YouTube पेज या Instagram पेज या WhatsApp के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी स्क्रीन पर फोन नंबर दिए गए हैं WhatsApp पे। आप उनको, उनमें से किसी भी नंबर को कहिए कि हमें WhatsApp के ग्रुप में शामिल होना है तो आपको इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। और Facebook का पेज, YouTube का पेज और हमारा Instagram का पेज आप सर्च में लिखेंगे जद्दा दावा सेंटर, JEDDAHDAWAHCENTER, जद्दा दावा सेंटर, तो आपको इंशाल्लाह हमारा पेज टॉप पर मिलेगा। तो मैं व्हाट्सएप का नंबर के लिए आपको इंशाल्लाह, व्हाट्सएप का नंबर आपको इंशाल्लाह मैं लिख देता हूं, तो बता देता हूं, +9665063673023, +9665063673, दूसरा जो है, तीसरा नंबर जो है +9665061285503, +9665061285503। जज़ाकअल्लाह खैर। मैं मीटिंग बंद करने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट दूंगा। जो भाई नंबर वगैरह नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लें। जो व्हाट्सएप का लिंक, फेसबुक का लिंक या यूट्यूब का लिंक या इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो चैट में शेयर कर दिया गया, जो भाई वहाँ से क्लिक करना चाहते हैं वहाँ से क्लिक कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर।
जी, तो हम मीटिंग एंड करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दरस में मिलेंगे इंशाल्लाह इसी टाइम पे इसी मीटिंग की आईडी के साथ. जज़ाकअल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा. सुभानकअल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. जज़ाकअल्लाह खैर.